Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The similitude of believers in regard to mutual love, affection, fellow feeling is that of one body. When any limb of it aches, the whole body aches because of sleeplessness and fever." Sasta hai, bahut sasta hai khoon wahan ka, ek basti jise Waziristan kehte hain. We are living and enjoying the comforts and luxuries of the 21st century. Our brothers and sisters are being oppressed all around us. It has become such that we have become immune to hearing such afflictions. It has become such that we find it hard to shed even one tear. La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. This video clip is of North Waziristan Bazaar, which was bombed by our own security forces. It's been said that the mosques were demolished, many innocent families, including women and children, were killed, and a million of people had to flee. Still, this operation is going on. You can see behind the clip that a lot of destruction took place, that everything is ruined over here, and it's very much possible that a lot of deaths took place and many innocents were killed during this operation. The Pakistani Taliban said that those killed on Sunday were civilians and it would avenge the deaths of the civilian casualties that took place. There were many people who had to flee to the neighboring Afghanistan, where they have relatives. Civilian casualties, however, have also been a concern of the Fatah Resource Center, and they also say that a lot of civilians had been killed. There are no terrorists in my family, and yet my whole family had been killed. Noor Daraz Khan, a former resident of the village of Musaki, told Al Jazeera. There was another interview by a local of Waziristan who said that all of my property. इससे तालिबान को फायदा हो रहा है और जो अमेरिका मिसाइल मार रहा है उसका भी फायदा तालिबान को हो रहा है. ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश में पाकिस्तान फंस चुका है. पाकिस्तानी फौज जो कुछ कर रही है उसका फायदा भी दुश्मनों को हो रहा है और जो दुश्मन कर रहे हैं उसका फायदा तालिबान को हो रहा है. टैंक जिन इलाकों में चढ़ाए हुए हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गाँव है वहाँ पे खेत है, वहाँ पे ये टैंक से गोले फायर कर रहे हैं, मार्टर गोले फायर कर रहे हैं रोजाना. जो है ये कहते हैं जी हमने 50 तालिबान मार दिए, 60 तालिबान मार दिए. मैं चैलेंज करता हूँ मुझे किसी एक तालिबान की लाश दिखाएं, किसी एक अलकायदा वाले की मुझे लाश दिखाएं. कोई इन्होंने अलकायदा और तालिबान नहीं मारा. मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं जाते. ये डरते हैं क्योंकि उनके पास फजाई हमलावर है. ये उनके इलाकों में नहीं जाते, ये गरीबों के इलाकों में जाते हैं. और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, इस मुल्क से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं ये सच बोल रहा हूँ आपके साथ कि ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ हो रहा है, वेस्ट को दिखाने के लिए हो रहा है, वेस्ट से पैसे बटोरने के लिए हो रहा है. ये अलकायदा और तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे. करली में इस वक्त बहुत खराब सूरत हाल है, वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं. वहाँ पे हुकूमत ने जो ऑपरेशन का ऐलान किया है वो इतना अचानक किया था कि इतना अचानक तो जल्जला भी ना नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हमारे जो मलक मशरान थे, हाजी मीर अमीर नियाज़ी अली खान का जानशीन था शेर मोहम्मद साहब, वो जर्गे में पेशावर गया. वहाँ पे गवर्नर साहब, कोर कमांडर साहब ने उन्हें यकीन दिलाया और कहा कि मैं 15 दिन आपको अल्टीमेटम देता हूँ, 15 दिन तक मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा. लेकिन अभी 5 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उन्होंने हमें कहा 3 दिन की कर्फ्यू लगाई. कर्फ्यू में किसी को भी आने जाने नहीं दिया. वहाँ पे हमारे घर भरे थे लोगों से, सामान से भरे थे, लेकिन उन्होंने घरों पे इतना बमबारी की कि वहाँ पे कुछ लोग जख्मी हो गए, मर गए. अभी मीडिया पे वो ये शो कर रहा है कि ये दहशतगर्द मर रहे. आप इसे ये दिखाइए कि ये कौन सा दहशतगर्द उन्होंने मारा है. अगर उन्होंने पहले हमें खबर किया था 20 दिन 15 दिन और हमारे और मशरान को उन्होंने अहतमाद में लिया था तो हम इसकी हमायत में थे, लेकिन अभी इस हालत में इसकी हम कभी भी हमायत नहीं करेंगे. क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों पर इतना बुरा हाल किया कि लोग मीरानशाह से पैदल आ गए, उसके बच्चे मर गए. कौन से वो आर्मी को कभी उसको कभी आर्मी वाले वो दिल के साथ लगाएगा? जब इसका बिछड़ा हुआ मरा हो तो वो कभी आर्मी के साथ वो खुद अल्लाह किसी मिलेगा? Just hold tight to your faith and you'll soon realize La ilaha illallah, that for you there's no reward besides eternal paradise. La ilaha illallah.
ने जो कुछ देखा है वो सरासर उन्होंने आवाम के खिलाफ देखा है। मीडिया अभी दिखाया जा रहा है कि हमने उसके लिए चार पॉइंट लगाए जहाँ पे हम राशन दे रहे हैं, 15,000 रुपये दे रहे हैं। आपने अभी देखा है कि हमारे लिए एक पॉइंट लगाया है, हम वहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग बैठे हैं, सुबह से अभी रहते कर शाम तक बैठे हुए हैं। न चार पॉइंट हमें मिल गए हैं, न 15,000 रुपये किसको मिल रहे हैं, न पूरा सामान किसी को मिल रहा है। इसी वजह से मीडिया जो कुछ कर रहा है वो हलत कर रहा है। इस प्यार का जो बयान होता है वह दहशतगर्दों के बारे में, वो तो इतना बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है कि सारे पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गया है। हम किसी पाकिस्तानी को मुँह नहीं दिखा सकते, वो हमें बता रहा है कि आप दहशतगर्द हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो ये मीडिया के सर पर हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि आई एस पी आर का बयान वो इतना ज़बरदस्त नशर कर रहा है कि जैसा कहो उन्होंने इलाका को देखा हो, घर को गया हो, जो मरा हो उन्होंने देखा हो कि ये प्लंटकीना में दहशतगर्द है। इसकी वजह तो यही है कि उन्होंने आई एस पी आर ने, फौज ने, पहले जियो ने, और इसका 15 दिन के लिए लाइसेंस बंद कर दिया गया है। सारे इसकी वजह से डर रहे हैं, जो फौज कर रहा है सारे पाकिस्तान में। La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.